दाल मसाला राइस के लिए सबसे पहले चने की दाल है, ठीक है, जो 1.5 कप दाल थी जिसे बॉइल कर लिया, उबाल लिया, ठीक है। इसके अलावा राइस दोस्तों हमने लिए हैं चावल, ठीक है, 1.5 केजी जो हमने बॉइल कर लिए। टमाटर मौजूद हैं, अनियन ऐड करनी है, प्याज भी। मसाले बहुत अहम पार्ट होते हैं, तो स्पाइसेस में सफ़ेद जीरा, नमक, सोल्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, हल्का सा चिकन पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये तो इसका अज्जा। चलते हैं प्रोसेस की जानिब। दोस्तों पैन रखा और इसमें ऐड करते हैं सबसे पहले कुकिंग ऑयल, अनियन काट रहे हैं, ठीक है, और प्याज देखिए अच्छी खासी ऐड कर रहे हैं। रेसिपी शेयर करें दाल मसाला राइस के लिए। ऑयल में हमने प्याज शामिल की दोस्तों प्याज ब्राउन करें और ऐड करते हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ, लगभग 2 से 3 खाने के चमचे। प्रोसेस जारी है और प्याज अदरक लहसुन हो रहा है ब्राउन। दाल मसाला राइस में हमने प्याज अदरक लहसुन के बाद में टमाटर शामिल करें और टमाटर दोस्तों अच्छे खासे शामिल करते हैं, ठीक है, हल्का सा करते हैं ब्राउन। साथ ही दोस्तों दाल शामिल करें इसी में, ठीक है, चने की दाल और दोस्तों बाकी मसाले शामिल करते हैं। नमक हसबे जायका, नमक के बाद लाल मिर्च पिसी हुई लगभग कोई 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा ये भी दोस्तों लगभग 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर भी ऐड करते हैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। दोस्तों देखिए आप, ये बहुत अहम पार्ट होता है और देखिए दाल का ये टेक्सचर आप देख सकते हैं। आप टमाटर की भुनाई हो चुकी है, प्रोसेस जारी है। दोस्तों इसमें कुछ मिर्चें भी ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ ग्रीन चिलीज हैं, साबित शामिल कर रहे हैं, ठीक है। ये मसाला देखिए दाल का अमेजिंग हो चुका है तैयार। उसके बाद इसी में हमने राइस ऐड करते हैं, दाल के ऊपर इस तरह बिछाना, ठीक है, ठीक है, चावल आपने बिछा लिए और चावल के ऊपर आपने दोस्तों, ठीक है, कैप्सिकम ऐड करने के बाद इसमें रख रहा हूँ दम पर और ओ हो ना बिरयानी ना पुलाव दोस्तों, दाल मसाला राइस। दाल का टेक्सचर देखिए दोस्तों आप, जस्ट अमेजिंग। दाल मसाला राइस भी हो चुके हैं तैयार और इसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, दाल चावल नहीं बल्कि दाल मसाला राइस, वाह। ऑन द टॉप ऑफ दाल मसाला राइस, और वैसे इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों, सिंपल ही